Hi guys, welcome to our channel. कैसे हैं आप सब? So, hi Mr. Luthra. Hi Mrs. Luthra. What's up? I'm good. So, what's the plan for today's video? Actually, we will share you about pre-events. शादी से पहले के events basically, guys. And शादी से पहले कई सारी चीजें होती हैं, जैसे शादी, फिर उससे पहले होती है engagement, उससे पहले होती है cocktail या मेहंदी की रात, and उससे पहले होता है कीर्तन. So, we will start this video with the कीर्तन. Okay. वैसे शायद आप लोगों ने फर्स्ट शॉट में देखा है, शायद नहीं देखा, मुझे पता नहीं है मैं एडिट कैसे करने वाला हूँ. सो रिंकी मैम, सबसे पहले आप अपने साइड का बताओ कि आपके साइड में कैसे हुआ. एक्चुअली हमारी साइड में पहले कीर्तन हुआ था, तो देन फिर हमने मेहंदी नाइट की थी. कीर्तन कैसे हुआ था, हम कीर्तन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मेहंदी की नाइट के बाद आएगी. हाँ, कीर्तन में वही पूरा अच्छे से भवन सजा के और एक ब्लेसिंग लेते हैं भगवान की. बिल्कुल, क्योंकि एक नया रिश्ता शुरू होने जा रहा होता है. बिना कीर्तन के इंडिया के अंदर गाइस कोई भी शादी नहीं होती. भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है ना. Absolutely. Then, फिर मेहंदी नाइट, उस पे तो बहुत सारे मजे, फ्रेंड्स, आई लव टू, यू नो, आई लव टू मेहंदी. वाओ मैडम ने यहां तक मेहंदी लगवाई थी. आई एम सो, कैन यू गाइस इमेजिन यहां तक. सो तेरा मजे तो पूरी बॉडी पे लगवा ले, टैटू की तरह मेहंदी लगवाती है. थैंक यू. तो बहुत अच्छी, मतलब मेहंदी नाइट रही, हमने बहुत एंजॉय किया. बस ये हो रहा था यार, अब जाना है, शादी है कल, शादी है यहाँ पे. मैं सोच रहा था आना है यहाँ पे, कैसे रहेगी. और वहाँ पे थक 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 जाना है, कल शादी है मेरी. उफ, पर फिर थोड़ी काफी दिनों के बाद की बात है ना. हाँ, फिर थोड़ी देर में चलो जी एंजॉय, ये नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जाना है, मम्मी पे कल चली जाऊंगी. इधर भी गाइस पहले यहाँ पे हम लोगों ने कीर्तन किया था, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोग आए थे उसके अंदर, इंक्लूडिंग माय मदर इन लॉ एंड रिंकीज एल्डर सिस्टर. तो उस दिन भी काफी फन हुआ था. देन फिर अगले दिन आई कॉकटेल या मेहंदी की रात, जो कि हमने कहीं से रोड पे की थी, बड़ा धमाका हुआ था. पहले तो गाइस ये डांस, ये पता नहीं क्या क्या, आपको पता है यार पंजाबियों की पार्टियां ना, आपको पता है यार, बस इतना मैंने बोल दिया, रात को पुलिस आ गई. वो पुलिस क्यों आई थी, डीजे लगा रखा था. आप लोगों को पता है आपको भाई नॉर्मल डीजे तो मंगवाएगा नहीं, ये खाली दो कॉलम ले आ भाई बजा ले ना भाई, हमें तो एक सबवूफर एनक्लोजर साथ में चाहिए. तो भाई डूम डूम हो रहा है, बड़ा ही जबरदस्त. पहले उससे पहले एक चीज और हुई थी, उसका मैं कहते 3000 या 4000 वॉट्स का सिस्टम था, तो नॉर्मल लाइट वाले स्विच पे उसने लगा दिया, नो फ्यूज ही उड़ गया था. देन फिर उसको नॉर्मल पावर पे डाला, देन फिर बजाया, तो पता नहीं 10 बजे तक के या 10:30 बजे का टाइम था, हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था और अप्रोक्सीमेटली 11 बज गए थे. एंड पीछे से पुलिस वाले आए एंड उसको लैपटॉप उठा के ले गए. देन किस्सा हुआ बहुत जबरदस्त. मतलब रात काफी लंबी चली थी, हम रात को पुलिस स्टेशन भी गए थे छुड़वाने के लिए, बट उन्होंने उसको छोड़ दिया था, सिर्फ उसका लैपटॉप जब्त कर लिया था, बाकी फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया. मजा बहुत आया था. मतलब पहले तो फुल धमाकेदार डांस, ये वो एंड खाना पीना बहुत बढ़िया एज यूजुअल. देन फिर ये किस्सा भी साथ में आया. मजा बहुत आया था यार उस दिन. सो काफी ज्यादा गाइस मेमोरेबल रात थी वो. मतलब पुलिस का किस्सा तो था ही, लेकिन उससे पहले पार्टी के अंदर भी कई अल्टीमेट किस्से थे. मैं आपको सारे किस्से गाइस अब एक एक करके दिखाता हूँ, आप एंजॉय करो, पॉपकॉर्न ले आओ, तब मजा आएगा. ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं बताऊंगा बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो जाओ एंजॉय करो. Yeah.
कैसे लगे गाइस कॉमेडी सीन्स, बट यार जो भी कहो, लोगों ने एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया, घर वालों ने एंजॉय किया, और क्या चाहिए, यही तो एक फंक्शन का मतलब है ना, एब्सोल्युटली है कि नहीं। मेहंदी तो सबने लगवाई ली थी, मैंने लगवा था पहले, बोल दूं, बोलती है मुझे देखो डिजाइन डिजून बनवा लो टैटू की तरह, मैं कह यार ऐसे कैसे, टैटू तो अच्छा लगता है, मेरे नाम का टैटू बनवाना चाहिए ना। ना भैया, हमें सुई से बहुत डर लगता है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा इंजेक्शन लगवा लोगे मैम आप? नहीं मैडम ने कभी कोई टैटू नहीं लगवाया, और इंजेक्शन से डरती है, ये नहीं पता जब वो ट्री करके चलेगी ना बैंड बज जाएगी। तो आर लिखा होना चाहिए यहाँ पे, बस आर? यही तो कहा है मैंने, रिंकी। आर से क्या है? रिंकी। रिंकी कौन है? यस, हेलो, हाय, व्हाट्स अप, कौन हूँ मैं पता नहीं भाई, कहाँ कहाँ से आए थे लोग। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड नेक्स्ट वीडियो गाइस रहने वाला है हमारी एंगेजमेंट। आज रात को मैं पिटने वाला हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी गाइस आपके लिए एंगेजमेंट आ जाएगी टाइम। कोई बात नहीं बेटा। गाइस शादी मत करना, ऐसा हाल हो जाता बेचारों वाला। देखो मुखिया अभी से पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होगा सोचो। चलो गाइस, भी नहीं हो गए सोचो। चलो गाइस, आप लोग अपनी रात एंजॉय करो, मैं जरा थोड़ी सी मार खाता हूँ। ठीक गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, एंड गाइस जस्ट एंगेजमेंट है एंड शादी है, उसके बाद ये चैनल जैसा था वैसे ही हो जाएगा, सो टेंशन मत लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू, तब तक हमारी सीरीज, हमारी स्टोरी एंजॉय करो यार। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, बाय बाय।